सुरक्षा परिषद में 5 देशों को ही ताकत दिए जाने का विरोध शुरू। अब एंटोनियो गुटेरेस ने की अफ्रीका के लिए स्थायी सदस्यता की मांग। भारत सहित जर्मनी जापान भी इसके लिए उठा रहे मजबूती से आवाज। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे वक्त से केवल 5 देशों को ताकत दिए जाने का विरोध शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में इस बात का विरोध हो रहा है कि अगर इस संगठन की कमान केवल 5 देशों के हाथ में है तो इसके फैसलों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। आज दुनिया में बदलाव आ चुका है, ऐसे में इस संगठन के महत्व को व्यापक करने के लिए जरूरी है कि कई और देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत जी 4 ग्रुप बनाकर इस मांग को तेज कर रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से इस मांग को मजबूती से उठाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे लेकर कई बार कह चुके हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता लेकर रहेगा। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफ्रीका को स्थायी सदस्यता देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अफ्रीका को इस संस्था में जगह देने की वकालत काफी लंबे वक्त से की जा रही है, जबकि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील के लिए भी पूरी दुनिया मांग कर रही है। तमाम अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ साथ कई डिप्लोमेट्स ने भी इसे लेकर आवाज उठाई है। इस मांग को लेकर भारत सहित तमाम दावेदारों के पक्ष और इसके विस्तार में हो रही देरी के पीछे की वजह को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। लगातार उठ रही आवाजों की वजह से अब जल्द ही भारत समेत कई देशों को वीटो पावर मिल सकता है। UNSSC में बदलाव को लेकर हो गई बड़ी तैयारियां। नई दिल्ली को मिल सकती है जल्द स्थायी सदस्यता। देखता रह जाएगा, चीन हेकड़ी दिखाना नहीं आएगा काम। दोस्तों, ये दुनिया बहुत विशाल है, ऐसे में तमाम देशों को किनारे करके केवल 5 देशों को इतनी बड़ी ताकत देना और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना बहुत बड़ी तानाशाही है। इसी बात का दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। तमाम देश अब इसमें विस्तार की मांग कर रहे हैं और अब एंटोनियो गुटेरेस अफ्रीका के लिए स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है, इसे हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस लड़ाई में भारत कहां तक पहुंचा है। तो दोस्तों, अब तमाम अड़चनों को खत्म करके भारत इस दिशा में काफी आगे जा चुका है। पूरी दुनिया में देश को जबरदस्त समर्थन हासिल हो गया है और UNSSC में सुधार के लिखित मसौदे को लेकर सहमति भी बन चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार चीन इसे लेकर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में वीटो लगाने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर G4 देशों ने मजबूती से कदम उठाए हैं। G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। ये देश UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं। उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में तुरंत बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं। इसके अलावा ये देश इस मामले में बातचीत के जरिए सहयोग करते हुए बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। इन देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि महासभा तमाम मामलों में पारदर्शिता को बनाए रखने में नाकाम रही है। वहीं इस समूह ने भी अफ्रीकी देशों का स्थायी और अस्थायी रूप से प्रतिनिधित्व किए जाने का समर्थन किया है। और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी यही कहा है। इस समूह का मानना है कि 1945 के मुकाबले आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब भू राजनीति अलग है। भारत का कहना है कि 70 साल पहले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज के हालातों को संभालने में नाकाम है। भारत सहित G4 देशों की मांगों और तर्कों में वो दबाव है कि दुनिया के मजबूत राजनीतिज्ञ और राजनयिक इसका मजबूती से समर्थन करते हैं। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने भारत के इस रुख का समर्थन किया था और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन G4 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने टोक्यो में एक भाषण के दौरान संकेत दिया कि सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ही केवल ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय शक्तिशाली शाखा के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले अमेरिका, चीन और रूस इस बात पर सहमत थे कि हम सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं देखना चाहते, लेकिन 2021 में अमेरिका ने अपने इस रुख में बदलाव किया और हमने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा परिषद और व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार महत्वपूर्ण है।
वहीं एलन मस्क ने भी भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पुरजोर मांग की थी, जिसके बाद अमेरिका को भारत को समर्थन में बयान जारी करना पड़ा था। दोस्तों, देश को मिल रहे समर्थन के बाद अब हम कामयाबी के बेहद करीब हैं और सुरक्षा परिषद में पुनर्गठन को लेकर तैयार हुए लिखित मसौदे को सहमति मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का शामिल होना तय है। दोस्तों, भारत ने यूएन में G4 मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद सुरक्षा परिषद में 9 स्थायी सदस्य हो जाएंगे। पूरी संभावना है कि देश को इस मामले में कामयाबी मिलने में ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी वही तर्क रखे हैं जो भारत ने रखे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार पर दिया जोर। 21वीं सदी के काबिल बनाने के लिए विस्तार को बताया जरूरी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के लिए स्थायी सीट की मांग कर दी है। साथ ही कहा कि यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि यूएनएससी की संरचना बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि दुनिया की प्रमुख शांति और सुरक्षा संस्था में 1 अरब से अधिक लोगों वाले महाद्वीप के लिए स्थायी आवाज की कमी है। ही हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि महाद्वीप और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के सवालों पर अफ्रीका के विचारों को कम आंका जाता है। 15 सदस्यीय यूएनएससी में चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 5 स्थायी सदस्य हैं। हर एक के पास वोट को वीटो करने की क्षमता है, जबकि बाकी 10 गैर स्थायी सीटें क्षेत्रीय तौर पर दी जाती हैं। 10 सीटों में से 3 अफ्रीकी राज्यों के लिए, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए, 2 एशिया प्रशांत के लिए, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों के लिए और 1 पूर्वी यूरोप के लिए है। यूएनएससी ने मई में मांग की थी कि अफ्रीकी देश वैश्विक सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाएं और इस संस्था में अपनी जगह बनाएं। जबकि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने बहस में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया को वैसा ही प्रतिबिंबित करना चाहिए जैसा वह है। यह तथ्य कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका का स्पष्ट रूप से कम प्रतिनिधित्व है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह समानता और समावेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। फ्रांसिस ने कहा, यह राज्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत के विपरीत है और इस संस्था में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह दुनिया को उस तरह से दिखा सके जैसा कि यह लगभग 80 साल पहले थी। तो दोस्तों, अब यूएनएससी में अमेरिका और चीन की मनमानी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अपनी ताकत का चीन लगातार गलत इस्तेमाल करता है और पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए भी उसने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। भारत ने मजबूती से चीन के इस कदम का विरोध किया है और वो इस वजह से इस ताकत को हासिल करना चाहता है जिससे वैश्विक तौर पर उसकी ताकत बढ़ सके। इसके अलावा भारत G7 और G20 जैसे संगठन का भी हिस्सा बनना चाहता है, जिससे व्यापारिक मामलों में भारत को बड़ा फायदा हो सके और भारत की इकोनॉमी और तेजी से मजबूत हो सके। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने के लिए आवाज उठाई थी और हमेशा इन देशों की मीटिंग में भारत को बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जनसंख्या के लिहाज से भी वो दुनिया का सबसे विशाल देश है। ये पश्चिम की मानसिकता को दिखाता है, लेकिन भारत अब अपना हक छीनने में विश्वास रखता है, इसीलिए अब उसे सुरक्षा परिषद और ऐसे तमाम ग्रुप में जल्द ही शामिल होने की उम्मीद है। तमाम ताकत लगाने के बाद भी चीन भारत के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की कोशिशों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस मामले में भारत का समर्थन करने के लिए इसे लाइक जरूर करें।